जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया रोशनी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एनसीए रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 1.5% की तेजी आपको एक दिन में देखने को मिली है। हालांकि ये एक दिन की तेजी है, एक दिन की तेजी से हमें कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन ओवरऑल हम लोग इसका व्यू समझेंगे, इस कंपनी का व्यू समझेंगे इस वीडियो में कि इसमें आने वाले समय में कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि काफी दिनों से देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, बीच में एक कह सकते हैं रेंज बाउंड में भी इसका स्टॉक फंसा हुआ है। तो इसी को इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि इसमें एक स्पष्ट तेजी कब आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग इस कंपनी के काम और फंडामेंटल को कई बार इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। कई बार क्या होता है कि नए व्यक्ति भी कोई किसी भी टॉपिक वीडियो बनाता तो देखते हैं, इसलिए उनको भी ये पता होना चाहिए ताकि यदि नया प्लानिंग करे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर तो उनका विजन क्लियर हो सके। तो देखिए एनसीएल रिसर्च जो कंपनी है फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हालांकि है ये एक एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी का मतलब होता है कि जो बैंक की तरह लोन वगैरह देती है, तो वो एनबीएफसी कंपनी है। और साथ में देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करती है, यानी कि पूर्ण रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है। और फाइनेंस से जुड़े हुए तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट का काम तो ये करेगी, क्योंकि फाइनेंस की कंपनी यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट करके पैसा नहीं कमाएगी तो कौन कंपनी कमाएगी। तो काम काफी बढ़िया है, कंपनी के जो काम है ना, काम के बेसिस पर लॉन्ग टर्म में तेजी इस स्टॉक में आने को हमें देखने को मिलेगी। अब बात करें फंडामेंटल की, तो तकरीबन 77 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। हम जब पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो हमारा विजन होता है कि जो कंपनी 100 करोड़ से ऊपर हो वो एक ठीक ठाक कंपनी मानी जाती है पेनी स्टॉक में भी। हालांकि ठीक है 100 करोड़ के पास है मार्केट कैप, ठीक है थोड़ा और ज्यादा होता तो बढ़िया रहता। स्टॉक का पी काफी महंगा है, 43 के आसपास है। स्टॉक का पी 10-20 के आसपास से तो जनरली अच्छा माना जाता है। हालांकि चार्ट पर हम लोग लेवल देखेंगे, वहां पे समझेंगे कि नया व्यक्ति कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तो ये 1% से कम है, हालांकि माइनस में नहीं है पेनी स्टॉक में, यही बहुत बड़ी बात है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है इसके शेयर प्राइस से ज्यादा है, हालांकि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होता तो ज्यादा बढ़िया होता। तो ओवरऑल हमें कंपनी का काम ज़्यादा पसंद आया, और जो फंडामेंटल है फंडामेंटल में और भी तमाम चीज़ें देखनी होती है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल हम लोगों ने देखा है तो उसमें ऐसा आइडिया लगा है हमें कि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, और इसके माध्यम से समझते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी हमें कब देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे 1 साल का चार्ट ओपन है, 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे यहाँ से यदि लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन आपको ये दिखाता है कि शेयर प्राइस अभी भी देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही ये लाइन मतलब जा रहा है। इसका ये मतलब होता है कि आप इस शेयर प्राइस में अभी भी स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं कहेंगे, लेकिन एक तेजी अभी भी इसमें है। ये नहीं कि गिरावट का इसमें दौर नहीं, गिरावट का दौर होता तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ न जाकर ऐसे नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखाई दे रहा होता। आप समझिए अभी यहाँ पे देखिए ये लाइन एक ड्रॉ कीजिए, ये लाइन 70 पैसा का लेवल है, 70 पैसा से लेकर 80 पैसा के बीच में आप देखेंगे तो काफी दिनों से इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आपको घूमते हुए दिखेगा, और इसी के बीच में स्टॉक का प्राइस रह रहा है। तो आपको करना क्या है कि जैसे अभी इसका प्राइस है मान लीजिए 70 पैसा के आसपास आया है, तो आप यहीं पे जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट में उनके लिए भी बता रहा हूँ, क्या कीजिए खूब हैवी क्वांटिटी बाई कर लीजिए, और जैसे ही इसका प्राइस 80 पैसा तक जाता है यहाँ पर आप बेच के निकल जाइए। एक नया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि रेंज बाउंड में भी पैसा कमा सकते हैं। रेंज बाउंड में पैसा कमाने की एक राम बाण औषधि है भारतीय मार्केट में, और जो दिग्गज खिलाड़ी है ये इसको काफी समय से फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि रेंज बाउंड में कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि रेंज बाउंड से जब भी ये बाहर निकलेगा स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसे भी जानते हैं। पहले क्या होता था, हालांकि अभी भी लोग ज्यादातर यही करते हैं कि जब रेंज बाउंड से बाहर निकलता है, जब इसमें ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले लेते हैं, क्वांटिटी बाइक कर लेते हैं हेवी क्वांटिटी, और फिर अब प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे जाए रेजिस्टेंस है यहाँ तक जैसे जाएगा बेच के निकल जाएंगे, लेकिन उसमें काफी समय लगता है। उतना पैसा आप शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि यहाँ सपोर्ट के पास बाई कीजिए, और जैसे रेजिस्टेंस के पास जाए जो रेंज बाउंड वाला रेजिस्टेंस है वहाँ पे इसको बेच दीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नए व्यक्ति जो इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो बेशक वो इंतजार करेंगे इस स्टॉक के जो प्राइस है इस रेंज के बाहर निकलने के लिए, इसमें जब ब्रेकआउट होगा तभी आप एंट्री लीजिएगा। ब्रेकआउट होगा तो इस बार एक अच्छा ब्रेकआउट होने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी देखेंगे तो एक बार दो बार और तीसरा बार जब ब्रेकआउट होगा तो लंबा ब्रेकआउट होगा जो इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जो 90 पैसा का लेवल है उसको ब्रेक करके देगा। तो नए व्यक्ति थोड़ा देर और वेट कर लेंगे, जैसे इसका प्राइस ब्रेकआउट के पास आएगा ब्रेकआउट होगा वहाँ पे एंट्री ले लीजिएगा। बाकी ओवरऑल जैसे अपना मैं व्यू रखूँ इस स्टॉक के ऊपर तो एनसीएल रिसर्च हमें एक बेहतर स्टॉक नजर आता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके पोर्टफोलियो में, तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। नए व्यक्ति के लिए जो मैंने रणनीति बताई है उस हिसाब से इसमें इस स्टॉक के जो शेयर उसको बाय करने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़कर बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।